गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बेकार पुरानी कुर्ती से पुरानी मॉडल की कुर्तियाँ जो हैं उसको फेंकने से पहले ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आप उस तरीके की बेकार और पुरानी कुर्ती हो गई है जिसका कपड़ा अच्छा हो तो आप उससे इस तरीके की स्टाइलिश कुर्तियाँ बना सकते हैं। स्टाइलिश पटियाला पे पहनने के लिए बहुत ही स्टाइलिश कुर्तियाँ बन जाएंगी। तो वीडियो एंड तक देख के अच्छे से सीख लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। कल मैंने एक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग का वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके की कुर्ती है। ओके, कितनी ज़्यादा बेकार सी लग रही है। इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे और स्लीवलेस डिज़ाइन देंगे और फिटिंग परफेक्ट देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दोनों बाजुओं को बाजू की सिलाई खोल लेनी है। उसके बाद से आपको जितनी हाइट रखनी है सूट की उतना यहाँ से नाप के और कट कर देना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको। चौक मिट्टी से आप निशान भी लगा सकते हो, चौक से निशान लगा के इसको यहाँ से कट कर दीजिए। सेम साइज़ होनी चाहिए दोनों साइड से, शोल्डर के पास से आप नाप के देख लो। उसके बाद हमने यहाँ से कट कर लिया है। ओके, और अभी चलते हैं स्टिचिंग करने। तो सबसे इसके बाद आपको करना क्या है, जो आर्मोल्स का हमने कट किया है उसमें आप चाहो तो कपड़ा लगा के भी जोड़ सकते हो। अगर आपको पतली स्लीव पतली मतलब शोल्डर वाली कपड़े चाहिए तो यहाँ से आप अभी डायरेक्टली कपड़े में से इस तरीके से इसको मोड़ के इस पर सिलाई चला दीजिए। थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना है। देखिएगा कितना स्टाइलिश लुक देगा ये। बाद में मैंने इनका वीडियो लिया है पहनाने के बाद से सूट को। इसको आप पटियाला सूट के साथ, पैंट स्ट्रेट पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, किसी भी के साथ भी आप पहन सकते हो, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा। तो इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। आर्मोल्स को, आर्मोल्स की गोलाई जो थी वहाँ का कपड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर लीजिए। दोनों आर्म होल्स को इसी तरीके से आपको सिल लेना है, मोड़ मोड़ के फोल्ड करके अंदर की तरफ। थोड़ी सी वीडियो मैं स्पीड नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस और भी कोई वीडियो देखना हो स्टिचिंग से रिलेटिव तो कमेंट करके बताएगा, स्टिचिंग और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव। तो दोनों आर्म होल्स के साइज में इसी तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसकी फिटिंग दे देंगे बढ़िया सी, जितनी आपकी फ़िटिंग हो उस तरीके से निशान लगा के अच्छे से इसको फिटिंग कर लीजिए। और नीचे का जो हमने कट किया था उसको आप लोग फोल्ड कर दीजिए। तो ये दोनों साइड से आपको इसी तरीके से इधर का भी कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके और सिल लेना है। थोड़ा सा सिलाई खोल देते हैं, उसके बाद इसको ऐसे मोड़ के और सिल लेना है और उसके बाद से फिटिंग दे देनी है परफेक्ट फिटिंग का निशान लगा के। जितनी आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से आप निशान लगा लगा के इस तरीके से और इस पर सिलाई चला लीजिए। जो आपका कमर होता है वहाँ से इस तरीके से और हिप तक निशान लगाते हुए, आर्म होल्स कमर और हिप की निशानों को मिक्स करके और उसके बाद से नीचे वाला कपड़ा इस तरीके से मोड़ के और सिल देना है। तो मैं इनको पहना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कैसा बना है ये सूट। तरीके से नीचे के कपड़े को जो हमने कट किया था उसको फोल्ड कर लीजिए। आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके फोल्ड कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से सिल लीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास भी बेकार कुर्तियाँ हैं और आप उसको पहनना नहीं चाहते तो इस तरीके से बाजू वगैरह निकाल के स्टाइलिश मॉडल कुर्ती बना के आप उसको पहन सकते हो। तो इस तरीके का ये स्टिच हो गया, उसके बाद से इन्होंने पहना था तो मैंने वीडियो लिया है। तो कुछ इस तरीके का लुक आया है पहले और अब में, कितना डिफरेंट है आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। ये फ्रंट का लुक है, ये साइड से और ये बैक से कैसा लग रहा है गाइस। अभी मैं फ़ोटो भी क्लिक करके रखी है वो भी दिखा देती हूँ। काफ़ी प्यारा लग रहा था। इस तरीके से आप बना के पटियाला पे इसको पहन सकते हो। इन्होंने भी पटियाला पे ही पहना हुआ है, ये देखिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा स्टिचिंग की और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव वीडियोस देखने के लिए। और जो भी आपको सीखना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे भी मैं अपने चैनल पर वीडियो डालती हूँ उसके हिसाब से।
तो आई होप आप लोग को ये कुर्ती अच्छी लगी होगी, कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेकर आता हूँ। और बहुत सारी मतलब साड़ियों की स्टाइल्स मैं सिखा रही हूँ तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में। तो वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाय बाय।